हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। मैं सूरज, आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रीवियस एग्जाम में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, इवनिंग में आपको 20 क्वेश्चन का एक सीरीज़ मिलता है जीके जीएस का, और वे जीके जीएस होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे होते हैं, रिपीटेड होते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो आज आपको लेके चलते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आज का पहला सवाल है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू हुई थी अप्रैल 1957 से, 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली। कब से शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1957 से शुरू हुई थी। फ्रेंड, एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आज जो वीडियो वीडियो का 29th पार्ट है, बाकी पार्ट जिसको देखना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनीला। क्या हो जाएगा? मनीला। अब मनीला आपको बता देना चाहूँगा कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है। तो एशियाई विकास बैंक का मकसद क्या है? तो एशिया में जो भी देश है उसको विकसित करना इसका उद्देश्य है। यह सबसे कम दर पर देशों को लोन प्रोवाइड करती है। इसका स्थापना जो हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। इसके टोटल जो मेंबर हैं, इसके टोटल मेंबर हैं 67 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 67 मेंबर, मतलब 67 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। इसका मुख्यालय तो आपको पता ही बता ही दिया, मनीला है। नेक्स्ट सवाल, कैर्न इंडिया को इनमें से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो कैर्न इंडिया को किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, खनिज गैस एवं तेल के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यह भारत का कैर्न इंडिया एक संबंधित संस्था है जो खनिज गैस और तेल उत्पादन करती है। नेक्स्ट सवाल, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। रेडियो कार्बन काल, मैं इसको बताता हूँ, इसका रेडियो सक्रियता कार्बन डेटिंग जो है वो किससे संबंधित है। तो यह जीवाश्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? कार्बन। आप लोग सुना होगा कार्बन 14 पद्धति, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जीवाश्म का आयु निकालते हैं, किसी भी कोई भी जीवाश्म कितना पुराना है उसे हम पता करते हैं किसे, कार्बन 14 पद्धति से। C14 एक पद्धति का नाम है जिसे बोलते हैं रेडियो कार्बन काल। नेक्स्ट सवाल, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। तो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है, फर्टिलिटी को बनाए रखता है, उसका नाम है ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ क्या है? मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है और इसकी फर्टिलिटी को बनाए रखता है। केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, CaO Cl2 एक यौगिक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है। यहाँ पे एक केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है CaO Cl2 किसी कंपाउंड का, उसका नाम पूछा है। तो ये CaO Cl2 एक किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। या तो आपको दूसरे तरह से पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तब आप लिखेंगे CaO Cl2, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, किस खनिज एस्क से लोहा पाया जाता है। मतलब किस खनिज एस्क से लोहा पाया जाता है या लोहा का निष्कर्षण होता है, एक ही सवाल है। या तो आपको पूछेगा लोहा का निष्कर्षण किससे किया जाता है, तो लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है आपका? Fe2O3। क्या है? Fe2O3, ठीक है, हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3। ये भी पूछ सकता है हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है, या लोहा का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा, या खनिज एस्क से लोहा पाया जाता है तो हेमेटाइट में। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो जाना जाता है वो किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी अप्सरा के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से जाना है अप्सरा। ये कई बार एग्जाम पूछा जाता है और कई ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले परमाणु रिएक्टर जो बना था उसका नाम था अप्सरा, या किसके द्वारा बनाया गया था, या बार्क के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बार्क। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। इसी के निगरानी में और निरीक्षण में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा बनाया गया था। ठीक है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु बिजली उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु बिजली उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राम लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राम लाइन की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी? तो 1854 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, अब कौन सा कैलेंडर दुनिया भर में सर्वमान्य है? तो दुनिया भर में सर्वमान्य है मतलब दुनिया भर में माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, उस कैलेंडर का नाम है ऑप्शन बी ग्रीगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है इसका? ग्रीगोरियन कैलेंडर। यह स्टार्ट होता है 1 जनवरी से और ख़त्म होता है, एंड होता है कब? 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रीगोरियन कैलेंडर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से लेके और अंतिम कब होता है? 31 दिसंबर को। और ये दुनिया भर में सर्वमान है, दुनिया भर में माना जाता है इसे। नेक्स्ट सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय जमशेदपुर है। कहाँ है? जमशेदपुर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था। यह झारखंड के जमशेदपुर शहर में स्थापित है और इनके जो मालिक हैं आपको पता है, रतन टाटा जी हैं। नेक्स्ट सवाल, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर POK शहर की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है? तो मुजफ्फराबाद है। कहाँ पे है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फराबाद। नेक्स्ट सवाल, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश की संसद का नाम है ऑप्शन ए जातीय संसद। क्या नाम है? जातीय संसद। ये भी सवाल बहुत एग्जाम में पूछा हुआ, आप देख पा रहे हैं कि TC परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है, RRB जम्मू, ASM परीक्षा 2004 में पूछा गया है। तो इस तरह का आप देख पाएंगे कि आपको कई बार पूछा जाता है जापान के संसद का नाम क्या है, तो जापान के संसद का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बोला जाता है। फिर आपको अलग अलग जगहों के संसद के नाम पूछा जाता है, तो इस तरह से आप एक बार संसद को कहाँ के संसद को क्या बोला जाता है उसके बारे में भी आप देख लिया करें, पढ़ के जाया करें एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय प्रशिक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1974 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1974 ईस्वी में, 18 मई 1974 ईस्वी में भारत का सबसे पहले नाभिकीय प्रशिक्षण कहाँ किया गया था, या कहाँ किया गया था? तो आपको पता है यह पोखरण राजस्थान में किया गया था। और इस प्रशिक्षण को क्या नाम दिया गया था, इससे भी सवाल पूछता है कि यह कहाँ किया गया था, यह पोखरण में किया गया था राजस्थान में। इस प्रशिक्षण को स्माइलिंग बुद्धा के नाम दिया गया था। इसको क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम दिया गया था इस प्रशिक्षण को। ठीक है, तो इसको इसका भी ध्यान रखें कि स्माइलिंग बुद्धा किसका नाम दिया गया है, तो इसके बारे में पूछ लें। सवाल किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि रेल के डिब्बे भारत में कपूरथला और पैरमपुर में बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला और पैरमपुर में। कपूरथला कहाँ पे है? तो कपूरथला आपका पंजाब में है, और पैरमपुर कहाँ पे है? ये तो तमिलनाडु में है। ये दोनों के बारे में बोले, कपूरथला कहाँ पे? पंजाब का एक शहर है और पैरमपुर तमिलनाडु का शहर है, और वहाँ पे रेल के डिब्बे बनते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे अधिक है? तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। कितना है? तो 410,521 किलोमीटर। कितना है? 410,521 किलोमीटर सड़क की लंबाई है तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में है। इसी दर्रा के थ्रू मानसरोवर की यात्रा किया जाता है। मानसरोवर
के लिए जो खोला जाता है मानसरोवर, आपको नाम सुना होगा मानसरोवर, जब यात्रा शुरू होती है तो इसी दर्रा के थ्रू, नाथुला दर्रा के थ्रू हम लोग मानसरोवर यात्रा करते हैं, भारत करता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है, या भारत और चाइना के बीच में है, इसे भी ध्यान रखें। नेक्स्ट सवाल, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया गया भारत का। और ये किसके अधिनियम के अंतर्गत लिया गया है? तो भारत के अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का एक संसद होगा, यह लिया गया था, या ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट सवाल, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती है? तो संसद संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, संसद सदस्य के बिना संसद काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट सवाल, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो ब्लैक होल एपिसोड ऑप्शन ए प्लासी युद्ध की पहले की घटना है। कब की घटना है? प्लासी युद्ध के पहले की घटना है। आपको बता देना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और सिराजुद्दौला के उसमें हार हो गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। नेक्स्ट सवाल, तो यह वीडियो का ये अंतिम सवाल था। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आप काम का हो और वीडियो को कहीं आपका काम का हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और बताएं लोगों की कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, और आप वीडियो पे रोज़ इस तरह से 20 क्वेश्चन का सीरीज़ मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।